और बेरमूज जिला मांग को लेकर 21वां दिन भी धरना जारी रहा। मालूम हो कि तेनुघाट स्थित अनुमंडल कार्यालय के समीप बेरमूज जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले समिति के संयोजक संतोष नायक का धरना जारी है। वहीं बेरमूज जिला बनाओ संघर्ष समिति के अधिकारी एवं सदस्य के साथ साथ आज बैदकारों की पूर्व मुखिया सीमा देवी, साडम पूर्वी की मुखिया रहमत तनु निशा ने दर्जनों महिलाओं के साथ धरना स्थल पहुंचकर बेरमूज जिला की मांग का समर्थन किया। तो वहीं रहमत निशा ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो बेरमू के सभी प्रखंडों में तालेबंदी की जाएगी, यदि इसके बाद भी नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब महिलाएं जाग उठी है और किसी भी हालत में बेरमू को जिला बनाकर ही छोड़ेंगी। जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से लगातार 2 वर्षों से ये आंदोलन किया जा रहा है और इस आंदोलन के ये मैं पहले सभी प्रखंडों में वीडियो के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, फिर 7 नवंबर को अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और 111 सदस्यीय टीम जो हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन जी, उनको जाकर ज्ञापन सौंपे और 6 दिसंबर को हमारा अनुमंडल का 91वीं वर्षगांठ जब हम लोग यहाँ मना रहे थे उस दिन से आज 21वां दिन लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है जो अनिश्चितकालीन है और इसमें हम लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग रहा है और जब तक हमारा बेरमू अनुमंडल जिला नहीं बन जाता है हम सभी यहाँ की महिलाएं, यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि सब हम लोगों ने ठाना है कि बेरमू को जिला बनाना है और हर हाल में जिला बनाना है और हम लोग जब तक जिला नहीं बनेगा ये धरना प्रदर्शन, ये कार्यक्रम, ये आंदोलन चालू रखेंगे। जब तक हमारा बेरमू जिला नहीं बन जाता है तब तक हम ये कार्यक्रम चालू रखेंगे। धन्यवाद। 21 दिन बीतने के बाद भी सरकार के कान पर किसी तरह का कोई जू नहीं रेंग रहा है, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना? आज 21वां दिन है और अगर सरकार अभी जिला बनाओ संघर्ष